नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, मैं उपेंद्र शर्मा आज फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज फिर मैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक के विषय में बताने जा रहा हूँ। मित्रों, इससे पूर्व मैंने अपनी वीडियोस में श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के विषय में बताया, श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के विषय में बताया, श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में बताया। आज मैं आपको श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में बताऊंगा। तो भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल बटन के आइकन पर क्लिक करके आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि हमारी सभी वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से चतुर्थ ज्योतिर्लिंग श्री ओंकारेश्वर हैं। यह मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित है। यहाँ 2 ज्योतिर्लिंगों की पूजा की जाती है, श्री ओंकारेश्वर और श्री अमलेश्वर। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के 18वें अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। यही केवल एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि ये तट ओम के आकार का है। यहाँ प्रतिदिन अहिल्याबाई होलकर की तरफ से मिट्टी से निर्मित 18 शिवलिंग तैयार करके नर्मदा नदी में विसर्जित किए जाते थे। मंदिर की इमारत 5 मंजिला है। यह ज्योतिर्लिंग पंचमुखी है। लोगों का मानना है कि भगवान शिव तीनों लोकों का भ्रमण करके यहाँ विश्राम करते हैं, तभी रात्रि में यहाँ भगवान शिव की शयन आरती की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भक्तगणों के सारे संकट यहाँ दूर हो जाते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि आप चाहे सारे तीर्थ कर लें, लेकिन ओंकारेश्वर के दर्शन के बिना सभी अधूरे हैं। इसलिए भक्तगण दूर दूर से यहाँ भारी संख्या में आते हैं। श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से संबंधित कथा इस प्रकार है। एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुँचे। वहाँ पर्वत राज विंध्याचल ने नारद जी का स्वागत किया और यह कहते हुए कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पास सब कुछ है, हर प्रकार की संपदा है, नारद जी के समक्ष पहुँच। नारद जी विंध्याचल की अभिमान युक्त बातें सुनकर लंबी सांस खींचकर चुप खड़े रहे। तभी विंध्याचल पर्वत ने श्री नारद जी से पूछा कि आपको मेरे पास कौन सी कमी दिखाई दी जिसे देखकर आपने लंबी सांस खींची। तब नारद जी ने कहा कि तुम्हारे पास सब कुछ है, किंतु तुम सुमेरु पर्वत से ऊंचे नहीं हो। उस पर्वत का भाग देवताओं के लोकों तक पहुंचा हुआ है और तुम्हारे शिखर का भाग वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। ऐसा कहकर नारद जी वहां से चले गए, लेकिन वहां खड़े विंध्याचल को बहुत दुख हुआ और मन ही मन शोक करने लगा। तभी उसने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया, जहां पर साक्षात ओमकार विद्यमान है। वहां पर उसने शिवलिंग स्थापित किया और लगातार प्रसन्न मन से 6 महीने तक पूजा की। इस प्रकार शिव भगवान जी अति प्रसन्न हुए और वहां प्रकट हुए। उन्होंने विंध्य से कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम कोई भी वरदान मांग सकते हो। तब विंध्य ने कहा कि आप यदि सचमुच मुझसे प्रसन्न हैं, तो मुझे बुद्धि प्रदान करें, जिससे कि मैं अपने सभी कार्यों को सिद्ध करने वाला हो जाऊं। तब भगवान शिव ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं कि तुम जिस प्रकार का कार्य करना चाहते हो वो सिद्ध हो। वर देने के पश्चात वहां पर देवता और ऋषि भी आ गए। उन सभी ने भगवान शिव जी की पूजा की और प्रार्थना की, हे प्रभु, आप सदा के लिए यहाँ विराजमान हो जाइए। शिव भगवान अति प्रसन्न हुए। लोक कल्याण करने वाले भगवान शिव ने उन लोगों की बात मान ली और ओमकार लिंग 2 लिंगों में विभक्त हो गया। जो पार्थिव लिंग विंध्य के द्वारा बनाया गया था वह परमेश्वर लिंग के नाम से जाना जाता है और भगवान शिव जहां स्थापित हुए वह लिंग ओमकारेश्वर लिंग के नाम से जाना जाता है। परमेश्वर लिंग को अमलेश्वर लिंग भी कहा जाता है और तब से ही ये दोनों शिवलिंग जगत प्रसिद्ध हुए। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से संबंधित और भी कुछ कथाएं हैं, उनमें एक दूसरी कथा भी प्रचलित है। वह इस प्रकार है। राजा मांधाता ने इस पर्वत पर घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। तपस्या से शिव भगवान जी अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। तब राजा मांधाता ने शिव भगवान को सदा के लिए यहाँ विराजमान होने के लिए प्रार्थना की। तब से शिव जी वहाँ विराजमान है, इसीलिए इस नगरी को ओंकार मानदाता भी कहते हैं। इस क्षेत्र में 68 तीर्थ स्थल हैं
और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। यहाँ नर्मदा जी में स्नान करने का विशेष महत्व है। नर्मदा जी के दर्शन मात्र से ही आपके सभी पाप दूर हो जाते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार देवों और दानवों के बीच युद्ध हुआ। दानवों ने देवताओं को पराजित कर दिया। देवता इस बात को सह न सके और हताश होकर शिव भगवान से विनती की और पूजा अर्चना की। उनकी भक्ति को देखकर शिव भगवान जी अत्यंत प्रसन्न हुए और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए और दानवों को देवताओं ने पराजित किया। इसी मंदिर में कुबेर ने भगवान शिव जी का शिवलिंग बनाकर तपस्या की, क्योंकि वे शिव भक्त थे। उनकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर शिव भगवान ने उन्हें धनपति बनाया था। भगवान शिव जी ने अपने बालों से कावेरी नदी उत्पन्न की थी, जिससे कुबेर ने स्नान किया था। यही कावेरी नदी ओमकार पर्वत की परिक्रमा करते हुए नर्मदा नदी में मिलती है। इसे ही नर्मदा कावेरी का संगम कहा जाता है। आदि शंकरा गुफा के बारे में भी एक कथा प्रचलित है कि इस गुफा में आदि शंकरा अपने गुरुजी गोविंद पदाचार्य से मिले थे। आज के समय यह गुफा शिव मंदिर के नीचे स्थित है, जिसमें आदि शंकरा की छवि देखने को मिलती है। इस पावन स्थल की भूमि पर कदम रखते ही भक्त गणों के संकट दूर हो जाते हैं। यहाँ शिव भगवान के दर्शन कर लेने मात्र से ही ऐसा लगता है कि साक्षात शिव जी के दर्शन कर लिए गए। भक्तों, मेरी आपसे प्रार्थना है कि जब भी जीवन में आपको समय मिले तो आप श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए अवश्य जाएं और कृतार्थ हों। इनके दर्शन करने से मोक्ष को प्राप्ति होती है। इनके दर्शन करने से भक्तों के सभी कष्ट मिट जाते हैं। अतः आप सभी से पुनः प्रार्थना है कि आप सभी इस तीर्थ स्थान पर भगवान श्री शिव जी के ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने अवश्य जाएं। इसी के साथ हमारी ये कथा समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम आपके सामने अन्य ज्योतिर्लिंग के विषय में जानकारी लेकर आएंगे। तो भक्तों, बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल बटन पर क्लिक करके आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।